एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम छतलानी कोलैबोरेशन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 बिजनेस का, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब चलिए हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। स्केलर चेन विद डायग्राम, स्केलर चेन के साथ डायग्राम पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, कब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इवोल्यूट करा था, कब उसकी स्थापना की थी वो पढ़ेंगे। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी विद डायग्राम, क्लासिकल मैनेजमेंट देखेंगे डायग्राम के साथ में। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी विद डायग्राम, हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट भी देखेंगे डायग्राम के साथ में। नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट विद डायग्राम, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ठीक है, हम लोग ये सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट हीक के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडिंग रूल्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक टाइप का गाइडिंग रूल, मतलब कि हमें जज करने के लिए एक रूल है। और लॉस फॉर मैनेजरियल एक्शंस, और मैनेजरियल एक्शंस के लॉस से बचाने के लिए है। दे आर डिजाइन प्राइमरी टू प्रोवाइड द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। फॉर बिजनेस सर्कमस्टेंसेज एंड इम्पोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंसेज, किसको, बिजनेस के अंदर जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको, और जो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में जो इम्पोर्टिंग होती है, मतलब कि वोटिंग होती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये प्रोसेस बनानी पड़ी। अब आते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, स्केलर चेन सर्व इज अ कमांड ऑफ वेल इज चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक चेन है कम्युनिकेशन का। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इन द सिचुएशन इलस्ट्रेटेड, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी एक सिचुएशन को इलस्ट्रेट किया गया है फिगर्स के द्वारा। चलो इसको फिगर देखते हैं। देखिए इसमें एक फिगर दिया हुआ है आपको, जिसमें ए क्या है, ए जो है इन सबका मतलब इन सबका क्या है, हेड है ए। और ए के साथ में वेट, ए के साथ में बी और एल कौन हो जाएंगे, ए के साथ में बी और एल हो जाएंगे ए के साथ में बी और एल उसके पार्टनर्स हो जाएंगे, ओके। अब ए को अगर एन से कम्युनिकेट करना है तो वो क्या होगा, उसका एम्प्लॉय एज इट इज, एम और सी इसके क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयज हो जाएंगे। देन ए को डी और एन से कम्युनिकेट करना होगा तो ये उसके क्या हो जाएंगे, जो उस ए जो ए बी और एल के अंडर में वर्क करते हैं। एक तो सी और एम क्या हो गए, उसके एम्प्लॉयज हो गए। डी और एन कौन हो गए, ए और ए बी और एल के अंडर में वर्क करने वाले, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद ई और एफ, ई और ओ कौन हो जाएंगे, इन सबको गाइड करने वाले, कौन हो जाएंगे, इन सबको गाइड करने वाले। नेक्स्ट है हमारा ए एफ पी, ये सब कौन हो जाएंगे, इन सबके कोलैबोरेटर्स हो जाएंगे। कोलैबोरेटर्स इन द सेंस कि इन सब को क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे, सहायक हो जाएंगे, ठीक है। जी और क्यू जो कि है, ये एक तरीके का इनका ब्रिज है, ब्रिज इन द सेंस कि अब जी और क्यू जो कि है, ये दोनों अपने अपने स्तर पे वर्क करते हैं। जो किसके गाइडेंस में वर्क करते हैं, अपने स्तर पे ए के, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया कि क्या था, देखो ए बी और एल क्या है, तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब इनके एम्प्लॉयज कौन है, सी और एम, ठीक है।
ए के अंडर में कॉन्वर्क कर रहा है डी और एन, ठीक है। अब उसके बाद इनके कोलैबोरेटर्स कौन है, एफ और पी, ठीक है। और इनके गाइडेंस में वर्क कौन कर रहा है, ई और ओ। और इन सब के अंडर में, मतलब इन सबसे ऊपर ए के अंडर अंडर कवर एजेंट्स कौन है, जी और क्यू। आया आपको समझ में? नाउ नेक्स्ट कम टू द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किस चीज़ का, जब क्लासिकल क्लासिकल मेथड को बनाया गया था उसका, सॉरी हाँ, जब क्लासिकल मेथड और मॉडर्न मेथड का इवोल्यूशन हुआ था, उसके बारे में पढ़ते हैं। वन कम्स अक्रॉस वेरियस स्कूल ऑफ थॉट। बहुत सारे स्कूल्स के थॉट थे दैट हैव आउटलाइन प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल टू गाइड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दिस स्कूल थॉट्स ऑफ मे बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्टिव फेसेस। अब कुछ स्कूल्स ने क्या करा, इनके कुछ डिस्टिंक्टिव फेसेस निकाल लिए जो कि मैनेजमेंट के प्रैक्टिस करने के लिए एक उनका सपोर्ट बन सकता है या उनकी गाइडलाइंस बन सकते हैं। जैसे कि अर्ली प्रोस्पेक्टिव। अर्ली प्रोस्पेक्टिव इन द सेंस कि जो पहले इन सब का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। देन क्लासिकल मैनेजमेंट। क्लासिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग का थोड़ा सा मॉडर्नाइज, मतलब कि मिड ऑफ द मॉडर्नाइजेशन जब हुआ था तब, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन के बीच में कैसा अप्रोच था वो चीज़। ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमनिज्म। अब इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइज कैसे किया था ह्यूमनिज्म को। और साइंस ऑपरेशनल रिसोर्स, और इसके अंदर साइंस ऑपरेशनल रिसोर्सेज क्या क्या थे। नाउ नेक्स्ट कम टू द लास्ट पॉइंट, मॉडर्न मैनेजमेंट। इसकी मॉडर्न मैनेजमेंट क्या थी। अब क्लासिकल मैनेजमेंट के अंदर देखिए क्या है, इट वॉज क्वाइट नेचुरल दैट इन अर्ली फेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये बहुत ही नेचुरल फेज था और बहुत ही पुराना और पहला फेज था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या है, डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूटिलिटी ऑफ कमांड, यूटिलिटी ऑफ डायरेक्शन, रिकमेंडेशन ऑफ प्रोसेस, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्कैलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी टू टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एक्सप्लिसिट do crop। अब ये सब आपके क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इट मीन्स क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ओके। अब हम इसको नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको इस सेशन में समझ में नहीं आया हो कि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। देन अगर आपको कुछ समझ में आता हो या आपने व्यूज देना चाहते हैं चैप्टर को लेकर, तो आप वो भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम एंड इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स।